मुनव्वर फारूकी और डॉक्टर आशना कांचवाला बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अब ये बात तो हर कोई जानता है। मुनव्वर के फैंस हैं, उनकी जो जनता है वो जानती है डॉक्टर आशना के साथ मुनव्वर फारूकी कितने अच्छे फ्रेंडशिप टर्म्स में हैं, कितने अच्छे टर्म्स में हैं। और दोनों की ये जो दोस्ती है ये बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहती है, बहुत सारी बातें भी होती हैं इन दोस्ती के बारे में। बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि मुनव्वर और डॉक्टर आशना इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि ये मोर देन फ्रेंडशिप भी लगता है। लेकिन अगर उस चीज़ को एक बार के लिए देख दें या फिर थोड़ा सा साइड हटा दें उस चीज़ को, दोनों का बॉन्ड और दोनों का रिलेशन साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम कंफर्टेबल हैं दोनों एक दूसरे के साथ। अब देखिए, मुनव्वर फारूकी कल भी डॉक्टर आशना कांचवाला की क्लिनिक पर पहुँचे और देखिए यहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की। और अब जो मुलाकात की तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, इन दोनों की मुलाकात के चर्चे अक्सर सोशल मीडिया पर होते ही रहते हैं। अब एक बार फिर से कल, क्योंकि मुनव्वर गए थे आशना के क्लिनिक पर, तो देखिए यहाँ से अब तस्वीरें जो हैं वो मुनव्वर और डॉक्टर आशना की वायरल हो रही हैं। और आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग इन दोनों को लिंक भी करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मोर देन फ्रेंडशिप है। लेकिन दोनों, चाहे इफ्तार पार्टीज़ हो या फिर कोई इवेंट्स हो या फिर कोई भी पार्टी हो, जब दोनों साथ में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलते हैं। जब बिग बॉस में थे मुनव्वर, तो डॉक्टर आशना ने इवन बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था मुनव्वर को, बहुत सारे स्टोरीज उन्होंने पोस्ट किए थे मुनव्वर फारूकी के लिए। और आई एम डैम श्योर डॉक्टर आशना कांचवाला और मुनव्वर फारूकी की जो फ्रेंडशिप है ये डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इन दोनों को साथ में, और देखिए ऐसे ही अगर ये चलते रहेंगे तो बहुत आगे तक ये सफ़र जाने वाला है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिए। ईद मुबारक मुनव्वर, देखिए सोशल मीडिया पर बस अब यही ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कल ईद है और ये पूरा जो महीना रहा पिछला वो मुनव्वर फारूकी के लिए बड़ा स्पेशल रहा। जिस तरीके से मुनव्वर पूरे महीने में इफ्तार पार्टी जहां पर भी उन्हें बुलाया गया वहां गए हैं वो, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वैल्यू करते हैं मुनव्वर। ईद बहुत बड़ा त्यौहार है मुनव्वर के लिए भी और हर एक मुस्लिम रिलीजन के इंसान के लिए, है ना। तो अब कल ईद का मौका है और देखिए ईद से पहले ही मुनव्वर के फैंस ने उन्हें ईदी दे दी है। अब आप देख रहे हैं ईद पर स्पेशल मुनव्वर की स्टोरीज़ और मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। पहली स्टोरी यही है जो मुनव्वर फारूकी को ईदी मिली है ईद से पहले, उसी के बारे में बात करने के लिए। तो देखिए, ईद से पहले ही मुनव्वर को ईदी मिली है फैंस की तरफ से। ईद मुबारक मुनव्वर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड हो रहा है आज सुबह से ही। देखिए आज सुबह से ही मुनव्वर के फैंस ट्रेंड करवा रहे हैं ईद मुबारक मुनव्वर, और एडवांस में ही ईद मुबारक मुनव्वर को कह रहे हैं। वैसे तो देखिए ईद कल है, लेकिन अभी पहले से ही जो है बहुत सारी बधाइयां मुनव्वर फारूकी को ईद के लिए मिलने लगी हैं। बहुत सारे फैंस उन्हें विश करने लगे हैं ईद के लिए, और डेफिनेटली ये जो महीना रहा बड़ा पाक महीना रहता है और मुनव्वर के लिए बड़ा ख़ास महीना भी रहता है, और डेफिनेटली मुनव्वर फारूकी खुश हैं। मुनव्वर फारूकी और शहनाज गिल आपस में कितने अच्छे दोस्त हैं, आप देखिए ये बात तो हर कोई जानता है। मुनव्वर और शहनाज अक्सर एक दूसरे से इवेंट्स में, पार्टीज़ में मिलते हैं। रिसेंटली इफ्तार पार्टी हुई थी अली गोनी के घर पर, जहां पर शहनाज और मुनव्वर का बेसिकली रीयूनियन हुआ और दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप देखने को भी मिली। शहनाज, आपको बता दूँ, एक ऐसी खबरें भी आई थी बीच में कि शहनाज और मुनव्वर एक साथ म्यूज़िक वीडियो कर रहे हैं राघव शर्मा का, बेसिकली बेसिक म्यूज़िक फैक्ट्री पर शहनाज और मुनव्वर एक साथ आ रहे हैं, और देखिए ये खबर बहुत ज़्यादा आई थी। अब देखिए जो एक बात नई निकल कर सामने आ रही है मुनव्वर और शहनाज को, वो ये है कि शहनाज और मुनव्वर फारूकी दोनों एक दूसरे को अब इंस्टाग्राम पर फॉलो करने लगे हैं। जी हाँ, शहनाज और मुनव्वर फारूकी दोनों एक दूसरे को अब इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, और देखिए ये अब दोनों के फैंस के लिए बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि दोनों के फैंस बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि दोनों एक साथ आ जाएं, दोनों का एक साथ कोई प्रोजेक्ट आ जाए या फिर दोनों एक साथ आ जाएं। और देखिए जब फैंस को पता चला कि दोनों एक दूसरे को अब फॉलो करने लगे हैं इंस्टाग्राम पर, तो देखिए फैंस
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। शहनाज और मुनव्वर को, दोनों को बहुत ज़्यादा फैंस पसंद करते हैं और आई थिंक दोनों ही इवन आपको बता दूँ फैंस के चहेते भी हैं। तो शहनाज और मुनव्वर के अगर आप फैंस हैं तो आपको डेफिनेटली ये खबर पसंद आएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे को अब फॉलो करने लगे हैं। मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार की दोस्ती के चर्चे बिग बॉस 17 में थे। अगर आपने बिग बॉस 17 फॉलो किया है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि मुन्नभी नाम का भी हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे रहता था। जिस तरीके से अभिषेक और मुनव्वर एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, आयशा खान के मैटर पर भी जिस तरीके से अभिषेक ने हैंडल किया था, मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करते थे, करते आए थे, वो नज़र आए थे, तो उस वे में देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि इन दोनों की फ्रेंडशिप को एक कि यू नो कहते हैं ना कि मतलब दोस्ती में अगर किसी भी बिग बॉस सीजन की बात करो तो दो लोगों की दोस्ती के हमेशा चर्चे होते हैं। तो अभिषेक और मुनव्वर के चर्चे जो हैं वो होते आए हैं। अब देखिए रिसेंटली सोशल मीडिया पर अब कुछ ऐसा हुआ है जहां पर अभिषेक का मुनव्वर के लिए प्यार नजर आया है। दरअसल मुनव्वर के खिलाफ एक अभिषेक के फैन ने कुछ बोला था जिस पर अभिषेक कुमार बहुत ज़्यादा नाराज हुए। प्यार से ही सही, लेकिन उन्होंने उस फैन को हिदायत दे दी कि हेट नहीं, प्यार से बोलो, हेट नहीं यहाँ पर होगा। बेसिकली एक कमेंट किया था अभिषेक कुमार के फैन ने मुनव्वर फारूकी के खिलाफ। मुनव्वर को बहुत सारे मतलब मुनव्वर के लिए उन्होंने एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स। तो जैसे ही अभिषेक कुमार ने देखा कि भाई मेरा फैन मुनव्वर के खिलाफ कुछ ऐसा कमेंट कर रहा है और उनके खिलाफ कुछ ऐसा वर्ड बोल रहा है, तुरंत अभिषेक ने उस कमेंट को बेसिकली उस पर रिप्लाई करते हुए कहा, टैग करते हुए जिस पर्सन ने लिखा था वो कमेंट, उसको टैग करते हुए कि हेट नहीं होगी बिल्कुल भी, प्यार से बोलो। तो बेसिकली अभिषेक कुमार कहना चाह रहे हैं कि भाई मुनव्वर फारूकी के खिलाफ तो डेफिनेटली ना वो बिग बॉस में सुनते आए हैं और ना ही वो बिग बॉस के बाहर सुनेंगे। हालांकि आपको बता दें आजकल इन दिनों मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार का कोई ऐसा इंट्रैक्शन या फिर कुछ ऐसा रीयूनियन देखने को नहीं मिल पा रहा है। अभिषेक व्यस्त हैं अपने म्यूजिक वीडियो के प्रमोशन में खाली बोतल, जो कि ऑफकोर्स कल ही इसका टीजर आया है आयशा खान के साथ। तो डेफिनेटली मुनव्वर फारूकी के साथ फिलहाल उनका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अभी भी मुनव्वर के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे अभिषेक, इसलिए उन्होंने अपने फैन को ही हिदायत दे दी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय कॉमेंट्स में बताइए।